सावरे शाम का जन्मदिन है आज, सावरे शाम का जन्म है आज, छोड़ दो अपना सारा काम काज, छोड़ दो अपना सारा काम काज, माखन से सजा लो अपनी थाल, माखन से सजा लो अपनी थाल, जिंदगी हो जाएगी खुशहाल, जिंदगी हो जाएगी खुशहाल। आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोपाल नेगी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस, बज चुके हैं सुबह के 9 और आज पहाड़ों में मौसम की बात करें तो गाइस, सुबह से धूप आ रही है और थोड़ा बहुत पहाड़ों में अभी बादल लगे हुए हैं। तो आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, बज चुके हैं सुबह के 9 और अभी आज दक्षेश्वर महादेव मंदिर में, तो गाइस आज दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महाउत्सव है, तो वहाँ थोड़ा बहुत कुछ कार्यक्रम है। तो गांव के सभी दोस्त लोग जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर में और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के। तो चलते हैं अब दक्षेश्वर महादेव मंदिर में। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रतीक है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रतीक है, जो अधर्म पर धर्म की विजय और प्रेम भक्ति और ज्ञान का संदेश देता है। जो अधर्म पर धर्म की विजय और प्रेम भक्ति और ज्ञान का संदेश देता है। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं पीपल के पेड़ से इधर को और अब हम जा रहे हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर में। तो आज वहाँ बच्चों के कार्यक्रम भी है और हर्षू, नैनू, कानू, भूमि और बॉबी, हम सभी लोग जा रहे हैं। तो अभी भास्कर अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो वो पहले चले गया है, तो उसका थोड़ा कुछ काम है। तो गाइस, पहले हम जा रहे हैं तिपोला, तो तिपोला बॉबी का कुछ काम है, बॉबी और भूमि का कुछ काम है वहाँ। तो बॉबी ने कुछ सामान भी लेना है, वैसे भी उसका पर्सनल कुछ काम भी है वहाँ तिपोला में। तो पहले हम चलेंगे तिपोला, उसके बाद आएंगे मंदिर, क्योंकि बाद में जब जाएंगे तो देर हो जाएगी, तो वहाँ से आराम से आएंगे मंदिर से। तो फिलहाल चलते हैं पहले तिपोला, तो तिपोला में कुछ काम है थोड़ा बहुत, उसके बाद आएंगे दक्षेश्वर महादेव मंदिर में। तो गाइस, फाइनली उखला के नीचे आ चुके हैं, उखला कोटली के वहाँ पे, और नदी देख सकते हो गाइस कितनी तेज़ अभी पानी का बहाव बहुत तेज़ हो रहा है। गर्मियों में तो गाइस बहुत कम होता है पानी, और आजकल देख सकते हो इधर पूरे पीछे से आपको पानी पानी दिख रहा है, वो भी लोग जा रहे हैं आगे से। तो गाइस, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो पहले हमने जाना है तिपोला, तो अभी मंदिर में भी कुछ कार्यक्रम नहीं हो रखे हैं, तो अभी थोड़ा देर में होंगे। तो पहले हम जल्दी इसलिए आ चुके हैं क्योंकि हमारे तिपोला कुछ काम है, तो उसके बाद देखेंगे हम कार्यक्रम। तो गाइस, फाइनली आ चुके हैं तिपोला से, और तिपोला में हमारा थोड़ा बहुत कुछ काम था तो हो चुका है काम, और यहाँ पे सामान ला रहे हैं बॉबी और भूमि, जो पीछे उन्होंने थोड़ा बहुत सामान गिरा भी दिया गाइस। तो ऊपर है हॉस्पिटल देख सकते हो वहाँ पे, और बॉबी भाई सामान को बांध रहे हैं, तो भूमि ने नीचे को आते समय गिरा दिया है, और कानू भाई सभी आ चुके हैं। तो हमको थोड़ा भूख भी लग गई थी तिपोला में, तो थोड़ा बहुत खा के भी आ चुके हैं। तो कार्यक्रम अभी दिन के गाइस 1 बजे से अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है वहाँ पे, हम सुबह 9 बजे 10 बजे से घर से आ चुके हैं और अभी हो रहा है वहाँ कार्यक्रम शुरू। तो अभी हम चल रहे हैं और ये देख सकते हो पीछे से सामान को उठा रहे हैं हम।
Yeah.
शुक्रिया।
तो गाइस फाइनली आ चुके हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर से, और इधर को देख सकते हैं यहाँ पे मड़ुआ हो रखा है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं यहाँ से अब घर को, क्योंकि 3 बज चुके हैं और बारिश का भी मौसम अभी हो रहा है। तो गाइस चलते हैं, और ये देख सकते हो मड़ुआ यहाँ पे छोटे छोटे अभी मड़ुआ हो रखे हैं इन पे। तो अभी हम चलते हैं घर को अभी, क्योंकि बारिश का मौसम बन रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अभी बारिश का मौसम दोबारा से बन रहा है, और यहाँ पे नदी का देख सकते हो किस प्रकार से गाइस बहुत ही खतरनाक अभी नदी यहाँ पे आ रही है। तो ये यहाँ पे गाइस पूरे बाउंडर जैसे यहाँ पे मछलियाँ और सीधे नीचे को जा रही है यहाँ से पानी। तो इस प्रकार से व्यू हो चुका है, और जैसे लग रहा है अभी पानी बढ़ चुका है, तो बड़ा नहीं है गाइस, ऐसे लग रहा है देख सकते हो थोड़ा बहुत पानी लग रहा है हमको बढ़ चुका है। तो गाइस बड़ा नहीं है, और देख सकते हो किस प्रकार से, और यहाँ पे पानी का धारा है, तो यहाँ पे पानी भी पी रहे हैं। तो हम पानी पी लिया हमने यहाँ पे, तो वहाँ भूमि भी पानी पी के आ चुकी है, और ये है धारा जहाँ से हम अभी हम पानी पी रहे थे। तो आप चलते हैं यहाँ से सीधे मिलते हैं पीपल के पेड़ पे जाके अब। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं दक्षेश्वर महादेव से, और अभी बारिश का मौसम देख सकते हो गाइस। तो आपको अच्छे से दिखाते हैं, पहले बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। तो गाइस देख सकते हो बारिश का मौसम कितना खतरनाक हो चुका है। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं गाँव में, और भी थोड़ा बहुत बारिश के छींटे पड़ रहे हैं। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं दक्षेश्वर महादेव से। तो इसी ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।